हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 27 का डी। बुक फॉलो कर रहे हैं हम आरएस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इस वाले एक्सरसाइज का ऑलरेडी 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आरएस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों 11 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द लाइंस R1, ठीक है ना, मतलब दो लाइन दिया हुआ, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट करेगा ये दो लाइन एक दूसरे को। और साथ में कहता है ऑल्सो फाइंड क्या देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन एक दूसरे को, उसको निकालिए। तो हमने क्या किया, इस वाले को लाइन वन मान लिया और यहां जो लाइन है इसको मान लिया हमने लाइन टू। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए क्या कंडीशन है। तो सर उसके लिए कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। याद करो, नोट देकर के लिखाए थे कि अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को क्या, देखो ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया एसक्यू लाइन, दो लाइन हो गया, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये चल गया, यहाँ जीरो हो गया, तो ये आगे चल जाएगा, ये इसको कट कर देगा। तो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा तभी दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला क्या हो जाता है आपके पास, इसका नाम होता है R1 और लेमडा के साथ वाला जो वेक्टर होता है ये होता है M1। उसी प्रकार से ये हो गया हमारा R2 और ये क्या हो गया हमारा M2 वेक्टर। क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए, R2 - R1। तो चलो R2 यहाँ है तो 2i + 6j प्लस कितना इधर 3k, R1 को माइनस करोगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2i, ये हो जाएगा +3k। ठीक है, 2i + - कट गया, यहाँ कितना R2 - R1 = यहाँ बचा 6j +3k कितना 6k, ये हमारा R2 - R1 चाहिए, हो गया, निकल गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, M1 × M2 चाहिए। तो आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। तो M1 वेक्टर ये है तो i j के साथ वाले को लिखो, i के साथ वाला कौन सा है 1, तो i के नीचे में लिख दो, j के साथ 2 है तो j के नीचे में लिख दो, k के साथ 3 है तो k के नीचे लिख दो। अब M2 तो M2 ढूंढो, यहाँ है M2, i के साथ 2 है तो यहाँ i के नीचे 2 लिख दो, j के साथ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दो, k के साथ 4 है तो यहाँ लिख। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, डिटरमिनेंट मेथड से। आई लेंगे, आई के सामने वाली को छोड़ दीजिए ऐसे और आई से इधर मल्टीप्लाई करोगे 8, बीच में माइनस होता है 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, माइनस जे इसके बाद लेते हैं तो ये हो गया, ये जे है लेकिन ये इसको लेते हैं तो माइनस यहाँ साइन आता है। ठीक है ना, एक बार डिटरमिनेंट वाले मेथड को या डिटरमिनेंट जो पढ़े होंगे वहाँ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। तो जे लेंगे, जे के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो दिस वन इंटू दिस वन कितना हो गया 4, बीच में माइनस होता है 2 × 3 कितना 6। उसके बाद प्लस के लेंगे तो के सामने वाली को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 1 × 3 कितना 3, बीच में माइनस होता है 2 × 2 कितना 4, ये कितना रहा 8 - 9 तो -9, यहाँ कितना हो गया 4 - 6 तो -2, प्लस माइनस पहले से तो +2 जो 3 - 4 - 1 तो ये रहा -k। ठीक है, क्या निकला यहाँ पर, -k, ये निकला हमारा M1 × M2। ठीक है, अब हमें क्या जरूरत पड़ता है, M1 × M2 का मॉड का जरूरत पड़ता है ना जी। तो आ जाओ, तो i के साथ क्या है -1, इसका स्क्वायर कर दो, j के साथ 2 है इसका स्क्वायर कर दो, k के साथ -1 है इसका स्क्वायर कर दो, ये कितना होगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1, ये फाइनली कितना हो गया √6। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ क्या होता है, R2 - R1 डॉट प्रोडक्ट M1 × M2 वेक्टर, मॉड वन और नीचे में होता है M1 × M2 का मॉड। ठीक है, अब आ जाओ R2 - R1 कितना निकाले हैं, तो 6j + 6k, तो यहाँ लिखिए 6j प्लस कितना है इधर 6k, यहाँ 6k, डॉट प्रोडक्ट M1 × M2 कितना निकाले हैं, -i + 2j,
तो माइनस आई प्लस टू जे और माइनस के, ये है ना जी, मॉड वन कर दीजिए। एम वन क्रॉस एम टू का मॉड कितना निकाल रहे, देखो रूट अंडर सिक्स है तो यहाँ हम रूट अंडर सिक्स लिख दिए। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ सिक्स है यहाँ सॉरी अरे यहाँ जे है और यहाँ तो आई तो है नहीं, तो आई के साथ नहीं करेंगे, जे वाले को जे के साथ। सिक्स इंटू टू कितना हो जाएगा ट्वेल्व, यहाँ सिक्स माइनस इसको करेंगे माइनस के वाले के साथ यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स, ये रहा रूट अंडर सिक्स। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा ट्वेल्व माइनस सिक्स तो सिक्स ही रहेगा, मॉड हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव ही है। अब इसको रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा सिक्स रूट सिक्स अपॉन से रूट सिक्स को रिस्क करो सिक्स, तो ये कट गया यहाँ हो गया रूट सिक्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहता है कि दिखाइए कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को जो लाइन वन लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। अब इंटरसेक्ट के लिए कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया रूट सिक्स आ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में त्रुटि है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है ना, तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा ही नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे हम इतना यूनिट। ठीक है, अगर जीरो आता तब हम आगे वाला इसका पोर्शन निकालते, कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का हम कॉन्सेप्ट देते। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में जो है इसको मिस्टेक है। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दो लाइन दिया हुआ और कहता है प्रूव कीजिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और साथ में किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो निकाल रहे हैं। तो चलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा, कट करेगा मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो निकलेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये है, इसको रहने दो फॉर्मूला, यहाँ पे हमने इसको लाइन वन और लाइन टू को हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर होता है इसका नाम देते हैं आर वन, इसको क्या मानते हैं हम लोग एम वन वेक्टर, राइट। इसको क्या बोलते हैं आर टू वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एम टू वेक्टर। ठीक है, हमें क्या चाहिए देखो फॉर्मूला में आर टू माइनस आर वन, तो चलो हम जो जो चीज चाहिए हम एकदम निकाल लेते हैं। आर टू माइनस आर वन तो आर टू कितना फोर आई प्लस जे, राइट, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आई माइनस टू जे और माइनस थ्री के, तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा फोर आई में से आई गया तो थ्री आई प्लस जे माइनस टू जे, तो यहाँ माइनस जे है, ये है जी सॉरी 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 हाँ ठीक है के वाला तो है नहीं, तो ये माइनस थ्री के ही रहेगा, ये निकला हमारा आर टू माइनस आर वन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है एम वन अक्रॉस कितना एम टू, तो एम वन क्रॉस एम टू के लिए क्या यहाँ आई लिखेंगे यहाँ जे लिखेंगे और यहाँ हम लोग के लिखेंगे। ठीक है, तो एम वन हाँ ये वाला आई के साथ क्या टू, तो यहाँ टू लिखिए, जे के साथ क्या थ्री तो यहाँ थ्री लिखिए, के साथ कितना है फोर तो यहाँ फोर लिखिए, M2 में क्या है यहाँ I के साथ 5 है तो I के नीचे 5 लिखिए, J के साथ 2 है तो J के नीचे में 2, K के साथ कुछ नहीं है तो 1, I लेंगे तो I के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3, बीच में माइनस होता है इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8, फिर माइनस J लेंगे J के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 1 कितना यहाँ 2, बीच में माइनस दिस वन इंटू दिस वन कितना इधर 20, प्लस K लेंगे तो इधर कितना होगा ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए तो 2 इंटू 2 कितना 4, बीच में माइनस होता है 5 इंटू थ्री कितना 15, इधर कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 तो माइनस 5i, राइट, यहाँ 2 माइनस 20 माइनस 18 माइनस माइनस इधर हो जाएगा प्लस 18, यहाँ हुआ 11 माइनस 11 तो इधर आ जाएगा तो माइनस 11 के, ये क्या निकला हमारा M1 क्रॉस M2। अब हमें क्या चाहिए M1 क्रॉस M2 का मॉड भी चाहिए, चाहिए ना जी, पहले मॉड निकालो, यहाँ कितना माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस कितना 18 का स्क्वायर और प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, निकालो कितना होगा, अरे निकालो निकालो निकालो, ये सबको स्क्वायर करके ऐड कर दोगे ये 470 पड़ेगा, कितना आएगा ये 470 करके देख लेना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आर टू माइनस आर वन कितना थ्री आई माइनस जे माइनस थ्री के, यहाँ लिखो 3i आई माइनस जे माइनस थ्री के। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट m1 क्रॉस m2 तो माइनस फाइव आई प्लस 18, यहाँ है माइनस फाइव आई अब प्लस कितना 18j, उसके बाद कितना है वो माइनस 11k, तो माइनस 11k। ठीक है,
मॉड वन एम वन क्रॉस एम टू कितना निकाले हैं, रूट अंडर 470, यहाँ रूट अंडर 470 लिख दीजिए। चलो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो आई वाले पाई के साथ, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, 3 × -5 तो -15, इसको करोगे तो ये हो जाएगा कितना -18, यहाँ इसको इसको करोगे तो +33 हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा रूट अंडर कितना 470 -15 और -18 तो -33 हो जाता है, यहाँ +3 पहले से है, रूट अंडर 400 कितना 70, यहाँ देखो 33 - 33 ये 0 और नीचे में कितना 400 कितना 70, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या 0 निकला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला, यहाँ पर निकला SD बराबर कितना 0 आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकला 0, इसका मतलब लैंड वन और लैंड टू एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस लाइन वन एंड लाइन टू इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यही प्रूव्ड करना था, ये तो प्रूव्ड हो गया। अब इसके आगे एक और कहानी है, ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसको निकालना है, ठीक है ना, एक काम करो पहले फटाफट इसका जो ना स्क्रीनशॉट लो, कैमरामैन फोकस करो जल्दी, ठीक है, अब देखो बच्चों जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला लाइन वन और ये वाला लाइन टू, तो पक्का ये वाला इस पॉइंट पे मान लो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका मान लो लाइन वन, ये हो गया लाइन वन, ये हो गया हमारा लाइन टू, तो दोनों लाइन तो एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, या दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेगा तो दोनों तो एक ही पॉइंट से गुजरेगा ना, इसका मतलब अभी पॉइंट पी यहां पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो कॉमन हो जाएगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर फोर इंटर सेक्टिंग पॉइंट, ध्यान से देखो क्या करेंगे, दोनों लाइन को इक्वल कर देंगे, तो यहां पर ये वाला लाइन ये है और ये वाला लाइन ये है, तो यहां पर लिखिए I प्लस कितना 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 4i अब प्लस कितना इधर से j अब प्लस म्यू तो 5i प्लस 2j अब प्लस k, राइट, ठीक है यहां तक, अब हमें यहां पर क्या करना है, सब तो सॉल्व कीजिए, यहां i प्लस 2j अब प्लस 3k लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे तो 2λi प्लस 3λj अब प्लस कितना इधर 4λk, लेमडा से सबसे मल्टीप्लाई, यहाँ 4i अब प्लस कितना जे, म्यू से सबसे कर दो मल्टीप्लाई तो 5μi प्लस कितना 2μj अब प्लस कितना म्यू के, ठीक है, अब यहाँ देखो i वाला यहाँ और यहाँ i कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2λ, j यहाँ है j कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3λ, राइट, k यहाँ है k कॉमन ले लीजिए तो 3 + 4λ, राइट, क्या कर रहे हैं हम i j k के फॉर्म में लिख रहे हैं, सेम एज हियर i यहाँ है कॉमन ले लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 + 5μ, उसके बाद j यहाँ है j कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 2μ, k तो है नहीं तो यहाँ सिर्फ म्यू के हो जाएगा, राइट, अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो i वाले को i के इक्वल करेंगे, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कंपेयरिंग विगेट, यहाँ क्या लिखेंगे कंपेयरिंग विगेट यानी तुलना करने पर, i वाले को i के इक्वल करो तो यहाँ हो जाएगा कितना 1 + 2λ इक्वल्स टू 4 + 5μ, ठीक है, तो 2λ इसको इधर ले आओगे तो 5μ, यहाँ 4 1 को इधर ले जाओगे तो -1, तो 2λ -5μ, इधर 4 - 1 3, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फिर आ जाओ जे वाले को जे के साथ कंपेयर करो तो यहाँ से 2λ 2 + 3λ तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3λ और यहाँ हो जाएगा 1 + 2μ, तो 3λ ठीक है, इसको इधर ले आओगे तो माइनस कितना 3μ और 1 2 इधर गया तो -2, ये 2μ है तो 3λ, एक मिनट 3λ -2μ है ना जी, तो माइनस
अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट यार, कपड़ा कहाँ गया? यहाँ पर ठीक है। अरे यार, 2λ-5μ, यहाँ पर एक मिनट, इसको हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा पता नहीं क्या था। ये देखो 3λ यहाँ रहने दो, इसको इधर ले आओगे तो 2μ, यहाँ 1, 2 इधर गया तो -2, तो 3λ, अब -2μ इधर कितना हो जाएगा, -1, ये रहा इक्वेशन 2। ठीक है, इसी प्रकार से के वाला के इक्वल कर लेना, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें लेमडा और म्यू का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, 2λ-5μ, तो 2λ-5μ इक्वल्स टू कितना, इधर से 3। सेकेंड वाले को लिखिए 3λ-2μ इक्वल्स टू -1, तो इसको कितना से 3 से, इसको कितना 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6λ, यहाँ हो जाएगा -15μ, इधर हो जाएगा 9। इसको करोगे तो 6λ-4μ, यहाँ हो जाएगा -2, माइनस कर दो, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कट गया तो -15, ये इधर +4, तो माइनस कितना हो जाएगा 11μ, 9 अब +2, ये भी 11 कट गया, तो म्यू का वैल्यू कितना, -1 निकला। ठीक है, म्यू का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, यहाँ लिखो पुट म्यू बराबर कितना, -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो इधर यहाँ पर निकलेगा 2λ -5μ, म्यू के जगह -1, इक्वल्स टू कितना 3 है, यहाँ देखो रखे म्यू का वैल्यू -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2λ+5 इक्वल्स टू 3, तो 2λ इक्वल्स टू 3-5 उधर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2 कट के लेमडा का वैल्यू कितना निकला -1। आपको क्या करना है, लेमडा या म्यू दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिएगा, काम निकल जाएगा आपका। अब क्या करो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, लेमडा का वैल्यू निकला, लेमडा का वैल्यू लाइन 1 में पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या करेंगे, पुट लेमडा बराबर कितना -1 इन लाइन 1। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, म्यू का वैल्यू लाइन 2 में भी रख सकते हो, जो आपको इजी लगे वो काम करना। ठीक है ना, दोनों में सेम आंसर आएगा। देखो तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ i+2j+3k, तो i+2j+3k, अब प्लस यहां पर कितना है लेमडा, लेमडा की जगह क्या रखेंगे -1, तो यहां लिखेंगे -1। अब इधर क्या है 2i+3j+4k, 2i+3j+4k, ठीक है, ये -1 है, सॉल्व करो i+2j+3k मल्टीप्लाई करो -2i-3j, और माइनस कितना इधर 4k। ठीक है, आई वाले को -2i से करोगे तो -i, 2j में से 3-3j गया तो -j, इसको इसमें से माइनस करोगे तो -k, r का वैल्यू क्या हो गया -i-j और -k वेक्टर। ठीक है ना, और यही r का जो वैल्यू होगा यही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जिस पॉइंट से पास करता है लाइन वही पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर होता है। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट इक्वल्स टू कितना, देखो आई जे के को हटाओ तो यहाँ कितना होगा -1, -1, -1, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए फटाफट इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, कैमरामैन फोकस करो जल्दी। बच्चों 13 नंबर में है, लाइन 1 और लाइन 2 दे दिया हुआ है, कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहले बात, यहाँ गौर से देखिए लैम्डा और म्यू के साथ वाला जो वेक्टर है ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम वेक्टर है। और सेम वेक्टर होगा तो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। कैसा लाइन होगा, दोनों पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डी बराबर m×r2-r1 का मॉड अपॉन वेक्टर m का मॉड, राइट। यहाँ पर ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा हमारा r2 वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा हमारा m वेक्टर, बस m ही, दोनों तो m ही रहेगा। तो अब एक क्या चाहिए, पहले r2-r1 निकाल लो, तो r2- हमने r1 निकाल लिया,
आर टू माइनस आर वन कितना, बोलो बोलो, आर टू माइनस आर वन, तो आर टू कितना, ये रहा थ्री आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के, माइनस कितना आई, एक ही बार माइनस करो ना जी, ठीक है ना, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यहाँ टू जे प्लस फोर के हो जाएगा, राइट। तो यहाँ थ्री आई में से टू आई ए वन आई गया, तो यहाँ टू आई बचा, थ्री जे में से टू जे गया, तो यहाँ जे बचा माइनस फाइव के प्लस के, तो माइनस के बचा, यह निकला हमारा आर टू माइनस कितना आर वन, ठीक है यहाँ तक। चलो अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर एम, तो वेक्टर एम कितना है लिख लो, टू आई प्लस थ्री जे प्लस कितना सिक्स, कहाँ से, ये लेमडा और म्यू के साथ वाला जो होता है यही क्या होता है वेक्टर एम, ठीक है। अब हमें चाहिए आर टू एम क्रॉस कितना आर टू माइनस आर वन, देखो यहाँ चाहिए ना एम क्रॉस आर टू माइनस आर वन चाहिए, तो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ आई यहाँ जे और यहाँ के, तो m का क्या है i के साथ 2 है, तो यहाँ 2 लीजिए, के साथ 3 है, तो यहाँ 3, k के साथ 6 है, तो 6। अब r2 माइनस r1 2 1 माइनस 1, तो यहाँ 2 1 माइनस 1, ये कितना होगा, i लेंगे तो i के सामने वाली ऐसे ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 6, माइनस j लेंगे तो ऐसे मल्टी ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर हो जाएगा माइनस 2, इधर हो जाएगा कितना माइनस 12, अब प्लस के लेंगे तो क्या होगा बोलो, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, 2 इंटू 1 कितना, यहाँ 2 बीच में कितना होगा, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ माइनस 9 आए, यहाँ हो जाएगा कितना माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 14 जे, यहाँ पर माइनस 4 के, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, माइनस 9 आए प्लस कितना इधर 14 जे, एक मिनट ये माइनस 3 कहाँ से रे बाबा, जे लिया तो माइनस 3 होगा, होगा तो नहीं देगा, देखो माइनस 3 माइनस 6, ठीक है ठीक है। अब हमें निकालना है इसका m क्रॉस कितना r2 माइनस r1 का मॉड, निकालो मॉड कितना होगा बोलो, माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट जल्दी कैलकुलेशन करो, कितना होगा माइनस कितना हो गया, नहीं हो रहा, कैलकुलेट करके देखो 293 आएगा, कितना आया 293, ठीक है। अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पे बैठाने के लिए हमें इस m का भी मॉड चाहिए, तो हमें मॉड m निकालना पड़ेगा, तो मॉड m कितना, 2 का स्क्वायर करो 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 6 का स्क्वायर करोगे 36, ये हो जाएगा कितना 49, और ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्टेंस के लिए, नाउ डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला, एक बार लिख दो यहाँ, m क्रॉस कितना r2 माइनस r1 का मॉड, वेक्टर मॉड, ठीक है, तो m1 m क्रॉस r2 माइनस r1 का मॉड कितना निकाले हैं, रूट अंडर 293, नीचे में m का मॉड कितना है 7 है, बस इतना यूनिट्स लिख दीजिए, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करके ये बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।